आई देश में कांग्रेस 72 साल से और बहुत बड़ी सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कांग्रेस के बनल है और एक परिवार के तीन तीन बड़ा प्रधानमंत्री देश में बनल एक परिवार के और माओवादी भी जब युद्ध लड़ल तो सबसे पहले का शहीद दिल बहादुर रामदेल माओवादी के लागे साथी सबके पता हो दिल बहादुर रामदेल एगो दलित के बेचारा है जेकरा सेना के गोली खाए के पड़े और ओकरा खून पर माओवादी आंदोलन देश में सफलता पर गेले और जब सफलता पर गेले प्रचंड राम के दामन के प्रधानमंत्री बनल गए जब लड़ित रहे तो ठगा राम रामक रे राम इंदर सहनी लड़े के बेर में तेली कलवार सहनी भागवत और प्रधानमंत्री बने के बेर में ब्राह्मण और प्रधानमंत्री बन के सबसे ज्यादा केकरो कल के सहयोग तो अपना जाति के कल गए अपना कुटुम्ब के कल गए जो बंदूक उठाने के काम कर गए आई वार्ड अध्यक्ष के टिकट भी ओई पार्टी से ओकरा न मिल रहा है जलित हो रहे यहाँ के गांव में कहानी हो जब युद्ध लड़े तो कल की सब आदमी के भूमि सुधार कर देव है सब आदमी के जमीन देव है सब आदमी के रोटी कपड़ा मकान देव है जब ओकर सरकार बनल तो यहाँ के भूमि मिलल यहाँ के घर बनल यहाँ के बेटा के पढ़े के अवसर आयल जो पढ़ल लिखल बाल बच्चा है ओकर नौकरी मिलल अगर न मिलल तो वहां हरियर घास में छुप के हरियर सांप के तरह रहे वाला कम्युनिस्ट पार्टी के ठोकर मारो और अपना बेटा के पार्टी में आके हाथ में हाथ मिला के कंध मिला के आगे बढ़ो यहाँ के सपना हम सब देश में पूरा कर मत सोचम कि गरीब आदमी देश में पार्टी में बना सकती है आज सबके पता हो देश के चाहे स्थानीय सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो जब कोरोना के महामारी अले दलित और गरीब के साथ में कहियो हाल खबर तक ले पूछे लागे न गेल तोहर घर बनल हो के टूटल हो पूछे लागे न गेल लेकिन यहाँ के बिना वोट और सपोर्ट से यहाँ के बेटा और प्रदेश में हजारों हजार घर में जाके हाल खबर पूछे के काम और जैसे भी हो तन से मन से धन से सहयोग करे के काम पहले कर दिले आप यहाँ से ही कहे आयल कि बिना पावर के अहर के बेटा अई देश के सरकार से ज्यादा काम कर सके छे अगर पावर देवे तो अई देश में सरकार भी चला एक एक वोट के महत्व है कोनो आदमी जे में बैठल छी ई न सोचम कि हम अकेले मात्र बहुजन एकता पार्टी के सपोर्ट करबी तो की होते जब दास के लड़ाई शुरू भेले स्पार्टाकस नाम के एगो दास प्रथा के मुक्ति के लिए लड़ाई में उतरले पहले बेर लड़ाई में उतरले 6000 दास के गोरा जाति के लोग सब फांसी पर झुंडिया के मार दें लेकिन स्पार्टाकस फिर भी वही आंदोलन के छोड़ ले ना दोबारा 10000 से भी ज्यादा होकर दास आदमी जे गरीब उत्पीड़ित वंचित रहे अधिकार से वो आदमी ओकरा सेना में भर्ती भेले और तब जाके स्पार्टाकस के नेतृत्व में वही देश में दास के जीवन फिर से बढ़िया हो के काम पर ले आई दिमाग में से निकाल दो कि महाजन के 1000 बीघा खेत है महाजन मंत्री कितना साल से बनते आ रहा है अरे जब ज्ञानेंद्र के सताए बसे जा सके छे तो यहाँ के महाजन कहाँ के आदमी है अगर हमारा समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करते तो हम सब माफी देवे वाला लोग न छे हम सब बराबरी के लिए लड़े थी हिमालय कांग्रेस माओवादी के भीतर रहे वाला दलित जैसन मालिक के सामने हजूरिया करे वाला नेता न छे बराबरी के लड़ाई लड़ी छे सर में कपन पान के लड़ाई लड़ी छे और जो बराबरी के लड़ाई लड़ी छे वो जने छे वो जेहन के तेहन जवाब देने के बात जने छे अगर हमरा समाज के हमरा पार्टी में हमरा विचारधारा में सरकार बनावे वाला अधिकार जे बैलेट प्रयोग करे के काम है जे रोके के काम करते तो टीट फोड़ कर जैसा को तैसा जवाब दिया जाएगा बहुत सारी पार्टी का तैयारी करे बहुजन एकता पार्टी के विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा है सिर्फ नेपाल में न है 96 कंट्री 96 देश में बाबा साहब के माने वाला लोग है जो देश में जात पात न रहे भेदभाव न हो छुआ छूत न हो सबके समान अधिकार मिले के चाहे बेगमपुरा बसे के चाहे गुरु रविदास जी के बेटा कभी सरकार बने के चाहे महाराज सलेश के बेटा कभी सरकार रहे के चाहे
इज्जत मिले के चाहे प्रतिष्ठा मिले के चाहे ऐसा विचारधारा के लोग 96 में देश में आके नेटवर्क के जोड़े के काम कर ले थे। अगर नेपाल में दबावे के काम करते तो कैनेडा में भी आके बाद काम हो काम का ख्याल थे। हम सब आई रूपये रूम में चुका रुकाव रात न थे जो धरती के बचल लाल छे और आवे वाला समय में अगर यहाँ के साथ और सहयोग रहता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के लाल के बिना अबा के पत्ता न हिलती सरकार से आवे के तो बातें छोड़ दिए। आज से दिमाग में से भरम भूत निकाल दो कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज में दम न है। अरे हमारे यहाँ के जनसंख्या 90% है वो कब साथ छोड़ दे तो जे काम आई हमने सब मांगे के कर रहा थी वो काम ओकरा सबके यहाँ के घर जाके मांगे के करते हम अपना मांगे वाला समाज के देवे वाला समाज बनाने के लिए आंदोलन कर रहा थी। ये सिर्फ पद पावर और कुर्सी के लड़ाई न है, ईमान इज्जत और प्रतिष्ठा के लड़ाई है। आज तक ले जब हमारा माई के साथ बहन के साथ बलात्कार हो तो समाज दुसाध के देती है, बीन मलाह के बेटी है, ये कोई कुर्निधानु के बेटी है, एक कपिला के न्याय मिले के चाहे से कह के एसपी के रोके वाला डीएसपी के रोके वाला सीडीओ के कहे वाला जो शक्ति है वही शक्ति के परास्त करके ऐसा राज व्यवस्था लावे लगी चाहे थी जय राज व्यवस्था में गरीब हो अमीर हो बड़का जात हो या छोटका कहे वाला जात हो कोई जात न रहे कोई अमीर न रहे कोई गरीब न रहे सब बराबर रहे और सबके माई बहन के साथ न्याय हो एहन व्यवस्था लावे के लिए लड़ाई लड़ रहा एहन व्यवस्था चाहिए आके। अगर यहाँ के भूमिहीनता खत्म होय के चाहिए यहाँ के जल जंगल जमीन चाहिए यहाँ के रोटी कपड़ा मकान चाहिए यहाँ के आत्म सम्मान चाहिए यहाँ के दवाई चाहिए यहाँ के शिक्षा चाहिए यहाँ के बेटा बेटी के रोजगार चाहिए तो बहुजन एकता पार्टी के साथ जुटो। अगर न चाहिए तो जहाँ छी तही जाके गुलामी करो हम सब कहे वाला उद्योग न थी। हमारा सब बहुत आदमी कहे छे कि राजनीति में अगर एक वोट तोरा पार्टी के हम वोट दे पहले हमारा फल्ला काम कराना बहुत आदमी कहे तोरा पार्टी के वोट देवो पहले हमारा फल्ला काम कराना। अब हम अहाँके कहे छी हमारा पार्टी में यहाँ जुटली है तो हमारा कहे फल्ला काम कराना तोरा पार्टी में रहबो आ जेकरा से यहाँ के बाबा से लेके परबाबा से लेके आए बाबू तक ले हम भी जेकरा पार्टी में रहली ओकरा कहली कहियो कि हमरा तू काम करा देबे तब तोरा पार्टी में रहब ना ओकरा कहली मालिक जी जे काम तही में हम जकरा दी छी। लेकिन यहाँ के बेटा पार्टी बोलले है जेकरा हाथ में अभी पावर में है यहाँ वोट न देले छे वार्ड अध्यक्ष न जीतले छे मेयर न जीतले छे सांसद न बनेले छे मंत्री न बनेले छे ओकरा आगे शर्त रखी छे कि हमरा फल्ला काम कर देबा तब तोरा हम वोट देबो एहन गलत सरल गलत मानसिकता के त्यागो अहाँ के बेटा काम करावे न करावे जतेक सकम करब जहाँ लड़े को है तो लड़म लेकिन संसद में जत घड़ी चल जाए अहाँ के मंच पर बैठल लोग माननीय मंत्री को मेयर बना दिलिए वार्ड अध्यक्ष बना दिलिए यहाँ के काम न करत तो सीधा हमरा से सवाल करो वही से पहले सवाल करे के काम बंद करो सहयोग करने के काम शुरू करो। बिना सहयोग के बिना यहाँ के सपोर्ट के अभी देश में क्रांति संभव न हो सके बिना यहाँ के काम करे के है अहाँ के लिए लड़ रहा छी अहाँ के सपोर्ट करे के जरूरत है। अगर हम दूसरा के सहयोग से हमारा कार्यक्रम में आवे छी अपन पैसा लगा के आवे छी अपन भाड़ा खर्चा खर्च करके आवे छी कह लगे आवे छी आई लागी कि यहाँ अपन लड़ाई लड़ रहा छी अहाँ के हक काटे के राह नहीं। अभी हम दलित वंचित बहुजन समाज के बात कर रहे छोटे तो देश के धना से जा के कहते नेताजी एगो गाड़ी कथी अहाँ के 10 गो गाड़ी लाइन लगा दे छी लेकिन दलित के बात न करो जनजाति के बात न करो पिछड़ा के बात न करो। अगर यहाँ के बेटा 10 गो गाड़ी के लाइन से आवे लागत समझ लेम बिका गेल अब यहाँ के हक अधिकार न मिले वाला है अहि के चलते अगर हम अहाँ से सहयोग मांग रहा छी अहाँ के सपोर्ट चाहिए अगर यहाँ सपोर्ट करबे जेहन समाज के लोग रहे छे ओहने नेता पैदा होय छे जेहन समाज के सहयोग मिल जाए ओहने आंदोलन सफल होते अहि के चलते भारत में कांतिराम साहब कहले रहे कि वोट भी दो नोट भी दो और बीएसपी को चुन कर दो उहे नारा यहाँ सबके बीच में हम दोहराबे लागी चाहे छी कि वोट भी दो नोट भी दो और श्री छाप के चुन कर दो वो मतलब बाद में कोनो माई के लाल अगर हिम्मत कर दी आंख निकल दिखावे के हमारा माई बहन के प्रतिष्ठा के ऊपर चौक चौराहा पर आंख निकाले के काम बहुजन एकता पार्टी कर लेकिन सपोर्ट यहाँ के करे के है
यहाँ दही में, यहाँ चिवड़ा में, मांस में, मछली में गाड़ी भाड़ा करा करा के दोसर पार्टी के रैली में जाए के काम करबे तौले तक ले यहाँ अपन आत्मसम्मान अपन अधिकार के बात न करबे तैयो होते जै दिन अपन लगानी से इस देश में अपना बेटा के पार्टी के स्थापित करे के काम करबे तब यहाँ के काम, यहाँ के राज, यहाँ के अधिकार स्थापित हो कहे के लिए यहाँ सबसे बीच रहे जय जय सतगुरु रविदास जी महाराज और गुरु कबीर साहब के दोहा कह दे छी। गुरु कबीर साहब कहले छथि निंदक नियर राखिए आंगन नीक सजाए बिन पानी बिन साबुन के सारा महल धुल जाए। अगर यहाँ बहुजन एकता पार्टी में रहबे बहुजन एकता पार्टी के साथ सफर करे के बात करबे तो यहाँ के गांव में जब तो बहुत लोग यहाँ के निंदो करब खराब है तो महाजन के साथ छोड़ दिल। हाँ आप देखो ना बिहान एक पिटाई शुरू होते बिहान देखो ना एक पंचायती में कौन जाता है कहत न वहाँ के हिनाय कर गरीब नेता के पार्टी में चले एक कथी मिलते एक एहन मेहन नेता के पार्टी में चल गए जरा अपना चढ़े लगी गाड़ियों न उ सरकार कभी बनते ओहन निंदा करे वाला के साथ भी आप बदसुल्की न करब। निंदक के हमनी के गुरु जी कहले है कि निंदक के नजदीक में रखे के चाहे जो यहाँ के विरोध करिए ओकरा से यहाँ के प्रेम करे के चाहे कह लगे वो तो विरोध करे चाहे तो कौन जगह पर विरोध कर रहा है वही जगह के यहाँ के बूझ के वो विरोध करे वाला पॉइंट के यहाँ सरियावे के काम करब और ये देश में अपन सरकार बनावे के काम करो विरोध न करे के है केकरो साथ हमनी के जातिगत दुश्मनी न है। हम सब गुरु रविदास जी के माने वाला लोग ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को आन छोट बड़ सब संग रहे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। अरे हम सब गुरु जी के माने वाला लोग हम सब छोटका बड़का धनिक गरीब सबके बराबर बनावे लगी चाहे छी। अगर कोई बराबर बनावे लगी न चाहिए ओकरा खिलाफ में लड़े के लेल कहे लगी चाहे छी। अब अंत में जात व्यवस्था के बात कह दे छी और अहाँ सबके भी विदा ले लेब अहाँ सबसे इसे जात के लोग बैठल छे नेपाल में कुछ लोग मनुष्य कम और जात ज्यादा दे बना दिले गांव में देखिए मनुष्य न रहे छे गांव में जात रहे छे धोबी हो उ धोबी टोला हो उ ततमा टोला हो उ बभन टोली हो उ राजपूत के टोली है उ यादव के टोला है उ यादव है उ छत्री है उ ब्राह्मण है उ वैश्य है मतलब मनुष्य कहीं है न करे मनुष्य तो कहीं रहे बनावे वाला प्रकृति जब पूरा संसार ब्रह्मांड बनल गए उ तो हमारे यहाँ के जात बना के ना भेजल। अगर बनावे वाला शक्ति हमारे यहाँ के जात बना के भेजती है तो ब्राह्मण वर्ग के जन्म 6 महीना में कर्माई देती है और शूद्र वर्ग के जन्म 18 महीना में देती बनावे वाला का भेदभाव ना कर दिले बनावे वाला तो सबके बराबर बनल के। हाँ बनावे वाला जानवर में जरूर जात बनल जैसे गाय है गाय अगर मैं बोले तो यहाँ बिना देखे कहे भी गाय छिछियाई छे वो गाय के जात भे गए कौवा का करे तो यहाँ कौवा के बिना देखले कह देवी कौवा के जात अगर कुत्ता भूके तो यहाँ बिना कुत्ता के देखले कह देवी कुत्ता के जात भूक रहा। लेकिन हम यहाँ बोल रहा छे हमरा न जानले हमर परिचय न सुनले माइक के आवाज से कोनो विद्वान हो कोनो शास्त्र के ज्ञाता वाला हो सब कह दे की भगवान के मुहे मुहे से हमरा जन्म देले है तेहन लोग सब विद्वान पंडित वर्ग सब भी हो ओकरा कहियो कि हमर आवाज सुन के कह देते कि फलना जात के आदमी बोल रहा है हमर चाल देख के कह देते कि फलना जात के आदमी चल रहा है हमर छाप देख के कह देते कि फलना जात के आदमी के छाप है। तो अगर हमर बोली से हमर चाल से हमर रहन से हमर बात से हमर पढ़ाई से हमर आवाज से अहा जात न छुटिया सके छे कभी छुटिया सके छे अहा ई कह सके छे जरूर कि वो कोनो मनुष्य बोल रहा है अई के चलते बनावे वाला जो है शक्ति वो हमरा यहाँ के मनुष्य बनेले है जात न बनेले है। अहा सब भगवान के बहुत माने छे और सबे भगवान के माने वाला लोग कहे छे भगवान जात न बनेले अगर भगवान जात न बनेले है जो आदमी जात माने छे तो भगवान के घर में पाप कर रहा है तो जे यहाँ के कहे तू नीच छे
और झूठ छे तोरा बेटा का अधिकार कहला दिए जात के आधार पर यहाँ के नौकरी न दे जात के आधार पर नगर पालिका में पुलिस बनना हो जात के आधार में नगर पालिका पर करार नौकरी दे जात के आधार में संसद के करार नौकरी वितरण हुई एक मतलब जात के आधार पर नौकरी देवे वाला जात के आधार पर छुआछूत करे वाला जात के आधार पर भेदभाव करे वाला लोग भगवान के भी दुश्मन है आई के साथ भगवान के दुश्मन के वोट देके राजा बनावे के काम न करब अगर भगवान के भी दुश्मन के वोट देके राजा बनावे छे तो यहो भगवान के घर में दोषी छी आहां के भी भगवान माफ न करत आई के साथ के साथ वोट है आई से बंद हो जाए के साथ भगवान के माया चाहे भगवान के प्रेम चाहे भगवान के साथ न चाहे बहुत एहन गाँव है जैसे मंदिर में कहती फला गुसाब के बेटा पैस कर पूरा गाँव में डिगडिगिया पीटा ये भगवान के छुआ दल को अरे अगर भगवान हमरा से छुआता है अब भगवान से हम न छुआई छे एक मतलब भगवान से पढ़ कर छुआ वाला आदमी होगा अरे भगवान से कल को छुआते भगवान को से कल छुआते अगर पावरफुल है सबके समानता चाहे थी सबके न्याय चाहे थी बनावे वाला प्रकृति के भी साथ खड़ा करो और छुआछूत करे वाला के साइड बगला के वोट देवे के काम बंद करो बंद करो हरी भजे सो हरी का होई जात पात पूछे नहीं कोई बहुत भंडारा में अंदाज ही सुनी थी बात हरी भजे सो हरी का होई और जात पात पूछो नहीं कोई आऊ हरी भजी छे आऊ चंदन टीका लगेले छी आऊ माला जपी छी अगर कोनो भंडारा में उच्च जाति के भंडारा है ओय में आके जात के हिसाब से नीचा बैठे ला ई कहिए ओय ला हरी न है हरी के नाम पर राज करे वाला आदमी सब के ताकुरुची संतागिरी कर रहा है आई के चलते जात पात पूछे वाला लोग हरी के द्रोही है जात पात पूछे वाला लोग समाज के द्रोही है जात पात पूछे वाला लोग मनुष्यता के द्रोही है आई के चलते भगवान के प्रकृति के अल्लाह के खुदा के ईश्वर के गॉड के दुश्मन जो जात बनाए रहे से वो है और जात पात के माने छी से वो है ऐसे ईश्वर के प्रकृति के अल्लाह के कहर से बचे लागे चाहे छी तो बहुजन एकता पार्टी के वोट देवे का हम सब जात पात के बात करे छे मनुष्य के शासन व्यवस्था के बात करे छे बहुत बहुत धन्यवाद सब आदमी के आग्रह करम आबे वाले 6 महीना के चुनाव में अपना बेटा के खड़ा करा के टिकट यहाँ सबके न दिए हमारा समाज के टिकट न दे बोले यही के चलते बहुजन समाज पार्टी बहुजन एकता पार्टी विधिवत रूप से टिकट देने का अधिकार हो जाए निर्वाचन आयोग में प्रस्ताव होके हमारे गरीब वंचित शोषित समाज के फेरी में टिकट देने के काम करे कर पार्टी रहता करा के आए थी सीढ़ी छाप ले के आए थी सब आदमी टिकट ले टिकट के कोनो प्रॉब्लम ना है आज के समाज में आज के बेटा के टिकट देने के लिए तैयारी हो गई थी अब जिम्मेदारी यहाँ के है जो ये टिकट के लेके आज संसद में बेटा के भेजी थी वार्ड ऑफिस में भेजी थी मेयर के ऑफिस में भेजी थी कि ना ये जिम्मेदारी यहाँ सबको छोड़ के जा रहा थी यहाँ दिन मला दलित या वंचित समाज के लोग या कुर्मी धानुक के लोग सीढ़ी छाप पर चढ़ के सीढ़ी पर चढ़ के मुखिया के कुर्सी पर बैठल रहे ये देखे के अवसर मिले इतना करते हुए यहाँ सबसे विदा हो जय भीम जय मूल्यवासी जय निषाद राष्ट्र।